नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जो है बहुत सारे लोग जो है वो ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन मेरा सब प्रदेशवासियों से भी और हमीरपुर वासियों से भी ये निवेदन है कि इस बीमारी से जो है वो डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो है वो एहतियात बरतने की आवश्यकता है। हम सावधानी बरतें, हम जो है वो बिना वजह जो है वो घर से कोई काम हो तो ही निकलें, बिना वजह घर से ना निकलें। फेस कवर हम लगा के जब हमें घर से बाहर निकला है तो फेस कवर लगा कर रखें, और जब हम कहीं बाहर जाते हैं या घर आते हैं बाहर जाकर तो उसके बाद बार बार थोड़ा अपने हाथों को धोएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी कहा है कि 2 गज की दूरी बेहद ज़रूरी, और हम सावधानी बरतें। उन्होंने भी वो मूल मंत्र दिया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मुझे लगता है कि इस पूरी जो महामारी फैली है इसमें हमें जो है वो डरने की आवश्यकता नहीं है और कोई आतंकित होने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल हमें जो है वो एहतियात बरतने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि हम जो है वो इसमें जो है वो उचित दूरी बना के रखें, जब भी हम कहीं मार्केट में जाते हैं या हम कहीं काम पे जा रहे हैं तो हम एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत जो है अपने काम को करें, और बाकी सारी बातों का ध्यान रखते हुए लोगों को जागरूक भी करें। और इस बीमारी का जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो लगातार अब केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो एक बहुत अच्छी बात यह है कि मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है और लोग जो है वो लगातार ठीक हो रहे हैं। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं, और उनकी बदौलत जो है वो आज बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो इस बीमारी से ग्रसित थे वो ठीक होकर भी जा रहे हैं। तो मैं ये ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश में भी और हमारे ज़िले में भी इस बीमारी का प्रकोप कम हो और जो लोग जो हैं इससे जो बीमारी COVID-19 से ग्रसित जो मरीज हैं वो भी तुरंत जो है वो ठीक हों, उनके स्वास्थ्य लाभ की भी जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।